अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ये बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है जी, क्योंकि इन फ्यूचर अगर अपने आपने अपनी फील्ड में रहना है आईटी के अंदर ही, तो किस बंदे को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, तो वो जब प्रोजेक्ट करेगा इन फ्यूचर, तो यहाँ भी कर रहे हैं जो दोस्त, तो उन्हें पता है कि इस सब्जेक्ट की बहुत वैल्यू है। इस सब्जेक्ट को पढ़ के हमें बहुत सारे मॉडल्स का पता चलता है कि प्रोजेक्ट को पकड़ के फिर डील कैसे करना है, क्या कॉस्ट उसकी आनी है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। लेट्स सी, आज हमने 5 क्वेश्चन कवर करने हैं। पहला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर फेलियर रीजन, कि व्हाई डू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स फेल। तो हम ये देखेंगे जी क्यों ये हो जाता है फेल। पीपल बिगिन प्रोग्रामिंग बिफोर दे अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, के लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब आपको इवन नोड का दे दिया जी कोड, तो आपने कोड करना शुरू कर दिया लेकिन उसकी लॉजिक नहीं समझी कि उसने कहा है कि अगर तो दो पे डिवाइड होता है, फर्ज करें मैं ऐसी लॉजिक बना रहा है, तो सिर्फ 10 तक इवन है और उसके बाद 20 तक ऑड नंबर बताए, ठीक है, मतलब कि 2 4 6 8 10 इधर तक बताए और उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में वो कह रहा है। तो अगर आप ये पढ़े ही ना, सिर्फ आप इवन शो करवा दें तो आपका ये प्रोजेक्ट फेल हो सकता है क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हुई। ओके जी, एवरी वन लाइक टू फील डैट दे आर मेकिंग प्रोग्रेस, ठीक है, वेन द टीम स्टार्ट टू कोड एज सून एज द प्रोजेक्ट बिगिन दे सीम इमीडिएट गेन्स, ठीक है, वेन प्रॉब्लम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एज दे ऑलवेज डू द वर्क गेट डिलेड, ठीक है, इन द बेस्ट केस अ टीम डैट बिगिन्स प्रोग्रामिंग टू सून विल एंड अप राइटिंग गुड सॉफ्टवेयर डैट सोल्व द रॉन्ग प्रॉब्लम। अब उसने ये 4 रीजंस बताई हैं आपको कि कैसे प्रोजेक्ट जो फेल होता है, कि हर बंदा सोच रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोग्रेस ओके जा रही है। दूसरे पॉइंट में वो क्या कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट उसको मिल रहा है ना, उसने फौरन स्टार्ट कर दिया उसका कोड करना, ठीक है, व्हेन द टीम स्टार्ट टू कोड एज सून एज द प्रोजेक्ट बिगिन। ओके, बाद तीसरी उसने रीजन बताई है कि बिकम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है द वर्क गेट डिलेड, ठीक है, कि जब आप हर वक्त उसके ऊपर काम करते रहते हो। इन द बेस्ट केस, ठीक है, द डैट बिगिन्स प्रोग्रामिंग टू सून विल एंड अप राइटिंग गुड सॉफ्टवेयर डैट सॉल्व द रॉन्ग प्रॉब्लम, ठीक है, कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी कोडिंग की है लेकिन रॉन्ग जगह पे कर दी है, तो वो भी प्रोजेक्ट फेल का रीजन बनेगी। ओके जी, स्लाइड नंबर है ये 20, और उसने आगे भी रीजन बताया था, टीम हैज एन अनरियलिस्टिक आइडिया, ठीक है, अबाउट हाउ मच वर्क इज इन्वॉल्व, कि उसे पता ही नहीं है कि कितना काम है इसके अंदर, उसने खुद से अंदाजा नहीं, कोई ना गलत आइडिया लगा दिया, ठीक है, अनरियलिस्टिक जो हकीकी ना हो। फ्रॉम फार अवे, फार अवे का मतलब होता है फार होता है दूर, अवे फार अवे दूर होता है, ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सीम सिंपल टू सोल्व, ठीक है, कि उसने समझा था कि ये आसान है लेकिन वो प्रॉब्लम जो थी कॉम्प्लेक्स निकली। टीम कैन कमिट टू इम्पॉसिबल डेड लाइन्स, के आप कमिटमेंट कर लेते हैं हालांकि आपको पता भी है कि इस डेड लाइन के ऊपर ये काम करना नामुमकिन है, बाई बींग टू ऑप्टिमिस्टिक एंड नॉट थिंकिंग थ्रू द, बगैर सोचे समझे कि काम कितना ज़्यादा होगा, तो इससे भी प्रोजेक्ट फेल होते हैं। और ये जब आप करेंगे इस फील्ड के अंदर तो ये चीज़ें सारी रियल लगेंगी, ये जो इसने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं ये सारी चीज़ें रियल हैं। वाई डू प्रोजेक्ट्स फेल, वही क्वेश्चन है जी उसके आगे, उसने और पॉइंट्स बताए हैं
कि डिफेक्ट्स होते हैं मसाइल आर इंजेक्टेड, इंजेक्ट होता है जी दाखिल करना, ठीक है, अर्ली बट डिस्कवर्ड लेट, लेकिन उसका रिजल्ट लेट आता है जी, ठीक है, जो मसले हैं पहले दाखिल कर देते हैं लेकिन उसका रिजल्ट लेट आता है। रिक्वायरमेंट कैन स्पेसिफाई इनकोरेक्ट बिहेवियर, क्या मैं रिक्वायरमेंट ही नहीं सही तरीके से ली, वो आप उसने कॉल की या आप कस्टमर ने, उसने कहा जी ऐसे ऐसे, आपने कहा जी ओके ओके बेफिक्र हो जाओ 100% काम हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है आपका नॉन सीरियस है, आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आगे अपना काम खराब कर लिया। डिजाइन आर्किटेक्चर, ठीक है, एंड कोड कैन बी टेक्निकली फ्लॉड, ठीक है, कि ये तीनों चीज़ें जो है ना टेक्निकल हैं, ठीक है। उसके बाद है जी यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक होता है, वेट, यहाँ पे जी एक ऑप्शन होता है इसके अंदर ना एमएस वर्ड के अंदर, मैं आपको बताता हूँ यार वो इसे शो, अच्छा मैंने एनेबलिंग एडिटिंग अभी दिया इसलिए नहीं शो करवा रहा था, अब वो ना इसके सिनोनिम्स आ जाते हैं इधर, मतलब फ्लावर को अगर हम क्लिक करेंगे ना ऐसे तो इधर अब वो बताएगा कि वो था यार लफज सिनोनिम्स, ये देखो कि फाल्टी, ठीक है, कि इन तीनों में कोई डैमेज भी, इसके देखे ना सारे इसके रिलेटेड वर्ड्स आ गए हैं सिनोनिम्स, ठीक है, ये अच्छी टेक्निक होती है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं अवेलेबल तो जो एमएस ऑफिस की डिक्शनरी है उधर से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है रिलेटेड वर्ड्स। तो ये जो फ्लावर थे हमारे पास, ये फॉल्ट होता है मतलब, ठीक है, डिफेक्टिव होती है, ठीक है, डैमेज होता है, ठीक है, इम्परफेक्ट, ठीक है, वीक, कि आपने जो डिज़ाइन आर्किटेक्ट और कोड किया है ना वो टेक्निकली वीक है, ठीक है, तो इससे भी आपका क्या होगा जी, प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट प्लान्स कैन मिस फंक्शनैलिटी, ठीक है, द लेटर दीज प्रॉब्लम्स आर फाउंड द मोर लाइकली दे आर टू काज द प्रोजेक्ट टू फेल, तो मतलब आपको बाद में पता चला तो ये काज बनेगा प्रोजेक्ट फेल का। देखिए जब आप कोडिंग करते हैं C++ में या आप करते हैं जावा में, पाइथन में, ठीक है, PHP में, तो आप देखते हैं कि जब आप कोड कर रहे होते हैं तो साथ साथ उसको ठीक करना आसान होता है, लेकिन कब आप मुकम्मल कोड कर लेते हैं उसमें बग आ जाए तो फिर उसको फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है। ओके जी, प्रोग्रामर्स डू नॉट हैव, उसके बाद वो जी प्रोग्रामर हैव पुअर हैबिट्स एंड दे डोंट फील अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क, प्रोग्रामर्स डू नॉट हैव गुड कंट्रोल ऑफ देयर सोर्स कोड, के मतलब के कोड को बहुत लंबा कर रहे हैं और कमेंट नहीं कर रहे साथ, कोड रिटन बाय वन पर्सन इज ऑफन डिफिकल्ट फॉर एन अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड, वही बात है ना कि वो जिसने लिखा उसको तो समझ आ रहा है लेकिन अगर वो कमेंट ही नहीं पास साथ करेगा, ठीक है, उसको जरा स्पेसिस नहीं सही से देगा तो कैसे दूसरे बंदे को समझ आएगा। प्रोग्रामर्स डोंट टेस्ट देयर कोड विच मेक्स डायग्नोस्टिक एंड फिक्सिंग बग्स मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, ये आप अगर टेस्ट ही नहीं करते तो जो बंदा डायग्नोसिस या फिक्स करेगा बग वो ज़्यादा कॉस्ट लेगा आपसे क्योंकि ज़्यादा बग्स निकलेंगे। द टीम डज नॉट हैव अ गुड सेंस ऑफ ओवरऑल हेल्थ ऑफ द प्रोजेक्ट, तो जो टीम है अगर उसका बिहेवियर नहीं ना सही तो वो आपकी जो है ना प्रोजेक्ट की हेल्थ है वो डाउन कर देगी। प्रोजेक्ट की हेल्थ से मुराद है कि जो आपने प्रोजेक्ट पकड़ा है ना उससे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये सब जो हमारे पास फेल होने के ना रीज़न थे, तो आगे मोर बताया गया कि यही बताया गया, हाँ जी, मैनेजर के हवाले से बताया गया जी, मैनेजर ट्राई टू टेस्ट क्वालिटी इनटू द सॉफ्टवेयर, तो एवरीवन अज्यूम दैट द टेस्टर विल कैच ऑल द डिफेक्ट्स दैट वर इंजेक्टेड थ्रू द प्रोजेक्ट्स, हर कोई ये सोच रहा था कि जिस बंदे ने टेस्ट करना है वो सारे बग बुग निकाल देगा। व्हेन टेस्टर लुक फॉर डिफेक्ट्स मैनेजर टेल देम दे आर वेस्टिंग टाइम, तो जब वो टेस्टर काम कर रहा था तो मैनेजर अगर उसे कहता है कि यार जल्दी करो क्या वेस्ट कर रहे हो टाइम,
व्हेन टेस्टर फाइंड इफेक्ट्स प्रोग्रामर आर अनोइंग, तो प्रोग्रामर का आगे से बिहेवियर बल्कि ये होना चाहिए कि यार अच्छी बात।